में रूस ने कई दिनों बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। एक के बाद एक दो मिसाइलें दागी गई जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इस जंग में रूस का बारूद कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि ये बारूद यूक्रेन के लिए खूनी सितंबर बनकर सामने आया है। जिस वक्त यूक्रेन अपने नए वेपन की नुमाइश कर रहा था, उसी दौरान रूस ने अपने इस्कंदर मिसाइल को जखीरे से निकाला और फिर पोल्टावा इलाके में मिसाइलें दाग दी। मिसाइलों के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन रूसी हमले कम नहीं हुए। यूक्रेन का कहना है कि पोल्टावा के अलावा दूसरे इलाकों में भी आम लोगों को टारगेट करके हवाई हमले किए गए। ज़ेलेंस्की ने बताया कि मिसाइल अटैक में एक झटके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 300 के आसपास घायल हो गए, कई अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अलर्ट सायरन बजने और मिसाइल अटैक होने में बेहद कम वक्त का अंतर था। लोग बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा ही रहे थे कि उन पर हमला हो गया। एक अस्पताल को भी टारगेट करने का इल्जाम लगा है। वहीं रूस के एक टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया और हमले में जिन लोगों की मौत हुई वो यूक्रेन के ट्रेनी सैनिक थे। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक जिस मिसाइल से हमला किया गया वो इस्कंदर एम मिसाइल थी, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर होती है। अगस्त में यूक्रेन के हमले के बाद ये पहली बार है जब रूस ने यूक्रेन के किसी शहर पर इतना बड़ा हमला किया हो। पुतिन ने कल ही कह दिया था कि कुर्स पर कब्जे की कीमत यूक्रेन को बड़े पैमाने पर चुकानी होगी। पोल्टावा अटैक का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि इस बार रूस ने अपनी मिसाइलों का मुंह कीव और लवीव की तरफ मोड़ दिया। इस बार पोलैंड के बॉर्डर के पास तक रूस के हमले की गूंज सुनाई दी। स्याह सन्नाटे को चीरता विध्वंस अब यूक्रेन की नियति बन चुका है। यूक्रेन में कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त रूसी मिसाइलें गिर सकती हैं और उसकी जद में सैकड़ों लोग आ सकते हैं। ये बात एक बार फिर पुतिन की मिसाइल यूनिट ने साबित कर दी। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन की राजधानी कीव समेत लवीव में एरियल अटैक किया। यूक्रेन ने बताया कि इस बार बच्चों समेत कई लोगों की जान चली गई। मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब मिसाइल और ड्रोन अटैक का सिस्टम थमा तो फिर ग्राउंड असॉल्ट वाला बटन एक्टिवेट हो गया। रूस ने सीना तान कर कहा कि अब डोनेस में यूक्रेन के काउंटर को पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। दावा ये भी था कि कई यूक्रेनी अपनी पोस्ट से पीछे हट गए। इधर यूक्रेन के कैबिनेट में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल शुरू हो गया। ज़ेलेंस्की के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कोलेबा ने भी अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप दिया। यूक्रेन के ऑपरेशन कुर्स के बाद रूस ने बड़ा ऐलान किया है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव करने के संकेत दिए हैं। ये डेवलपमेंट इसलिए अहम है क्योंकि अभी तक यूक्रेन के हमले को लेकर रूस ने कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही पुतिन ने ये कहा कि यूक्रेन को घुसपैठ की कीमत चुकानी होगी, यूक्रेन के डाकुओं को बख्शा नहीं जाएगा, इसी के फौरन बाद रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव का बयान सामने आया। रियाबकोव ने कहा, न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव करने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है। ये पॉलिसी उन हालात को तय करती है जिनमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। परमाणु नीति को लेकर रूस का ये रिएक्शन आज नहीं तो कल आना ही था, क्योंकि रूस से पहले अमेरिका भी अपनी न्यूक्लियर हथियारों वाली पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला कर चुका है। यूक्रेन वार को लेकर के CIA के पूर्व अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। पीटर श्रोडर ने कहा है कि ये जंग दो तरीके से खत्म हो सकती है, या तो रूस ये जंग हार जाए या फिर पुतिन सत्ता से हट जाए। क्या इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की तैयारी कर रहा है ईरान? मिडिल ईस्ट में जारी टकराव के बीच ईरान ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो जारी किया। ये ईरान का वो फतेह मिसाइल सिस्टम है जिसे ईरान ने अमेरिका के HIMARS यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की काट के तौर पर तैयार किया। अब इसे लेकर दो तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। पहली ये कि इस फतेह में 360 मिसाइल सिस्टम को ईरान अब रूस को सौंपने को तैयार है, उसके साथ डील हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये आशंका जाहिर की गई कि ईरान ने इसराइल को मिसाइल के जरिए वॉर का संकेत दिया। हालांकि अब इस सबके बीच HIMARS और फतेह मिसाइल के बीच कंपैरिजन भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकन HIMARS 90 किलो वॉरहेड्स ले जा सकता है, जबकि फतेह की क्षमता 150 किलो वॉरहेड्स की है। HIMARS की रेंज 70 किलोमीटर है, जबकि ईरानी मिसाइल सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर बताई गई है।
HIMARS की रफ्तार आवाज की स्पीड से 2.5 गुना ज्यादा है, जबकि फतेह की 4 गुना ज्यादा बताई जाती है। ईरान इस बार इस तरह की वीडियो दिखाकर जंगी तैयारी का दम दिखाता है, लेकिन जब पूछा जाता है कि हमला कब होगा तो सधा हुआ रिस्पांस दिया जाता है कि हमला करेंगे मगर तय समय पर। दोनों देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी के मद्देनजर जॉर्डन का बयान सामने आया है। जॉर्डन का कहना है कि ईरान इसराइल पर हमला करने का ख्याल दिल से निकाल दें और मिल बैठकर मसला हल करें। गाजा वॉर के बीच हमास के नेताओं ने इसराइल को एक और धमकी दी है। हमास के लीडर्स ने कहा है कि अगर इसराइल बंदूकें भेजता रहेगा तो उनके बंधकों को वो ताबूत में भेजते रहेंगे। इसराइल के खिलाफ गाजा जंग को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से इसराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोग नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो कई ऐसे हैं जो बंधकों की रिहाई के लिए अब शांति समझौते का दबाव बना रहे हैं। अब हमास का कहना है कि 100 बंधक जिंदा चाहिए या मुर्दा, ये इसराइल को तय करना होगा। हमास ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों के सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, खुद की रक्षा करना, क्योंकि हम नेतन्याहू के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अगर सरेंडर कर दिया तो फिर 76 साल से चले आ रहे इस आंदोलन का कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। हमारा मैसेज क्लियर है, डील के बिना बंधकों की रिहाई नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सारे बंधक ताबूत में वापस लौटेंगे। इस पर इसराइल का कहना है कि कुछ भी हो जाए झुकेंगे नहीं, आतंकियों के साथ उनकी शर्तों पर नेगोशिएट नहीं करेंगे। मगर इजरायली वॉर कैबिनेट के पूर्व सदस्य और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस वॉर में हमास से ज्यादा अब इसराइल का नुकसान हो रहा है। नेतन्याहू के वादे झूठे हैं। दूसरी तरफ हमास और इसराइल के बीच आंकड़ों को लेकर भी वॉर गेम्स जारी है। हमास रूल्ड गाजा अथॉरिटीज का कहना है कि 11 महीने की जंग में 40,800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल का दावा है कि गाजा वाले ऑपरेशन में 17,000 के करीब आतंकवादियों को मार गिराया। कल ही इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें वेस्ट बैंक के उस पूरे इलाके को शामिल किया गया था जहां पर इसराइल की फोर्स इस वक्त ऑपरेशन चला रही है। अमेरिका से दर्दनाक हादसे की खबर आई जहां गाड़ियों की टक्कर में 4 भारतीयों की मौत हो गई। इसके अलावा मैसाचुसेट्स में भी 2 बड़े हादसे हुए हैं। रूह कपा देने वाला यह हादसा शुक्रवार को हुआ जब टेक्सास में एक के बाद एक 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस दौरान एक महिला समेत 4 युवा भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों के शव बुरी तरीके से झुलस गए। ये चारों एक कार पूलिंग ऐप के जरिए जुड़े थे और अरकनसस के बैटनविले जा रहे थे। हादसे में मरने वालों के नाम आर्यन रघुनाथ, उमर पति, फारूक शेख, लोकेश पलाचरला, धरनिशी वसुदेवन है। अधिकारियों का कहना है कि शवों की पहचान के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग की जा रही है, नमूनों का माता पिता से मिलान किया जाएगा। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में हाईवे पर ये मंजर देखने मिला। हजारों किलो का ये ट्रक देखते ही देखते आग का गोला बन गया। ट्रक से लगातार काला धुआं उठता दिखाई दिया। इस हादसे की वजह से हाईवे नंबर 93 पर ट्रैफिक की मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। एक एक करके सैकड़ों गाड़ियों की कतार लग गई। जब तक ये ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक नहीं हुआ, ट्रैफिक रुका रहा। US के मैसाचुसेट्स ब्रिजवाटर में ही हादसे की एक और तस्वीर आई। एक शख्स घंटों तक कोयले से भरे कंटेनर में फंसा रहा। इसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने वैक्यूम ट्रक की मदद से पहले कोयले को कम किया, फिर क्रेन की मदद से उस शख्स को बाहर निकाला गया और अस्पताल भर्ती कराया गया।